बहुत खूबसूरत लग रही हो। कावेरी बेटा। जी अम्मा। इन्हें गरीबों में बंटवा देना। ले बेटा। हो गया, अब चले मंडप की तरफ। मत कीजिए जलन चाची, मत कीजिए ऐसा। रोती हुई हमें अच्छी नहीं लगती तू। आज हमें किसी की विनती, किसी के आंसू नहीं रोक पाएंगे। आज जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। चलो। छुटकी होगा तो वही जो हम चाहते हैं, नहीं तो आज इखर से डोली की जगह अर्थी निकलेगी। वाह! बस पाऊजी बस, आज दिखाता हूं मैं आपको और दुनिया को कि जीत सिर्फ ताकत की होती है। बस और बेटा कुंवर, उठो बेटा उठो, तुम्हारे बाबूजी तुम्हें पुकार रहे हैं, उठो। अपने बाबूजी की हिम्मत मत लो। ठाकुर साहब, इसीलिए हम कुंवर साहब को अस्पताल से जबरदस्ती घर लाए हैं, ताकि अपने मजबूर बेटे को देखकर आप इस घर से हमें ना निकाल सकें। ओम स्वास्थ्य न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वास्थ्य न पूषो विश्ववेदा, स्वास्थ्य नाक्षर्यो अरिष्टनेमि, स्वास्थ्य नो बृहस्पतिर ददातु। ओम गजाननम भूतगणा सेवितुम। संवाद संवाद, अम्मा का रोक लो संवाद। यह नर्क मत होने दो, तुम ही अम्मा को रोक सकते हो। संवाद, वो तुम्हारा कहना कभी नहीं टालेंगी। दीदी दीदी, देखो मैं जानता हूँ कि जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। मैंने अम्मा से बात की है पर वो नहीं मान रही है। क्या करूं? दीदी प्लीज प्लीज, आप रोइए मत, संभालिए अपने आप को। कावेरी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? ज्यादा नाटक मत कर, जो हो रहा है उसे होने दे। जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेगी तो सबको पता चल जाएगा कि तूने अपने भाई को मारा। Oh,
लो पकड़ो इसे। और फेरे ले। फेरे लेती है कि नहीं? चलो उठ। चल फेरे ले। भगवान, कहां मैंने गलती की, और गलती की भी तो सजा मुझे दे। मेरे बच्चों को क्यों सजा मिल रही है? क्यों मेरा बेटा असहाय बेजान सा लेटा है? क्यों मेरी बेटी उस नरक में पड़ी है? और क्यों मैं चाहकर भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं? हे भगवान, एक दुखियारे बाप की अर्ज सुन ले। अब आप तीसरा फेरा लेंगी? नाटक कर रही है, तेरे लेना ही नहीं चाहती थी। हमारी रीत सच में बेहोश है, ये कोई नाटक नहीं कर रही है। आप इतनी कठोर मत बनिए रीत, उठो उठो। तबियत है मेरी, बात मान लो रीत, फेरे मत लेना, किसी भी हाल में मत लेना। दीदी, हमें हमें हुआ क्या था?
समझ में ही नहीं आया। अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया और हम गिर गए। शायद भगवान की भी यही मर्जी थी कि ऐसा अनर्थ ना हो। कावेरी, कहाँ मर गई तू? उसे जल्दी नीचे लेकर आ। फेरे आज हर हाल में होंगे। ये मेरे नहीं होने चाहिए रे। अगर बधू का स्वास्थ्य खराब हो गया है तो फेरे भीष्म जी के आने के बाद भी पढ़ सकते हैं। पंडित जी, फेरे तो पढ़ेंगे और आज ही पढ़ेंगे। संवाद जी, जाओ और उसे जबरदस्ती नीचे लेके आओ। जाओ जी। मैं तुम पर यह जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। नहीं, मैं अभी अम्मा को जाकर यह बता देती हूँ कि भीष्म की मौत मेरे हाथों, भीष्म की मौत मेरे हाथों, भीष्म की मौत मेरे हाथों, भीष्म की मौत मेरे हाथों। भीष्म की मौत दीदी के हाथों। मुझे जो सजा मिलेगी मैं सह लूंगी, लेकिन लेकिन तुम्हारी मांग में उसके नाम का सिंदूर कभी नहीं लगने दूंगी, जो 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 अब इस दुनिया में ही नहीं है। नहीं रीत, नहीं दीदी, अब किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। जो राज हमने अपने दिल में दफन कर रखा है उसे राज ही रहने दीजिए। हमारे जीते जी हम इस पर से कभी पर्दा उठने नहीं देंगे। तुम क्या चाहती हो रीत? मैं क्या करूं? अपनी आंखों के सामने ये अन्याय होते देखती रहूं क्या? नहीं रीत, अब ऐसा नहीं होगा। दीदी, भावनाओं में मत पड़िए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो कुछ भी हुआ वो आपने हमें बचाने के लिए किया, पर हम आप पर उस हत्या का इल्जाम कभी लगने नहीं देंगे जो आपने हमारी इज्जत बचाने के लिए की थी। आपको अम्मा बुला रही नीचे। रीत नहीं जाएगी संवाद। दीदी देखिए, अभी जाना ही पड़ेगा। प्लीज आप चलिए मेरे साथ।
पंडित जी ये भीष्म की मौत मेरे हाथों तुम्हारी मांग में उसके नाम का सिंदूर कभी नहीं लगने दूंगी जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। आप किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, जो राज हमने अपने दिल में दफन कर रखा है उसे राज ही रहने दीजिए। पंडित जी ये शीशे का टूटना अशुभ होता है। अम्मा ये अशुभ संकेत है। गठबंधन का चलना, कांच का टूटना, अम्मा ऐसे में फेरे नहीं लेने चाहिए। हमें पता नहीं भीष्म कहाँ होगा अम्मा, और कहीं से भीष्म पे कोई विपत्ति ना आ जाए। हाँ अम्मा समाज सही कह रहा है, अगर बीच पर कोई संकट आ गया तो मत होने दीजिए ना मेरे। पंडित जी ऐसे अशुभ संकेत होने से का सच में हमारे भीष्म पर विपत्ति आ सकती है? आ सकती है, तभी तो शुभ और अशुभ की मान्यता है। हम तो आपको राय देंगे कि ये फेरे ना ही पड़े तो उत्तम रहेगा। फेरे तो होंगे ही।